sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. So that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो ये काफी आसान है, इतना tough है नहीं. ध्यान से देखिए कि ये मेरे पास A, B, C ये triangle है, okay? And PQR एक triangle है, PQR another triangle है, PQR, ठीक है? क्या क्या दिया है मुझे? AB, AB, PQ and AC, 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 AC and sides AB, AC and median AD of a triangle. AC and median AD of a triangle. AD median, median है, 1:1 है. And ये मेरे पास क्या है? और ये PR. ये 1:1 है, median है ये. ये इनके, ये proportionate है. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. काफी आसान सी बात है कि अगर मैं बात करता हूं तो अगर मेरे पास, ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास सो दैट एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, कैसे किया जाए? इन दो ट्राइंगल्स में अगर मैं बात करता हूं एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, कैसे किया जाए? ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शनेट है, इसको मैंने सी मान लिया है, इसको बी मान लिया है और इसको एल मान लिया है. तो ये कितना आएगा मेरे पास? लैम्डा सी आएगा, ये लैम्डा बी आएगा और ये लैम्डा एल आएगा. ओके, नाउ फोकस हियर. अगर मैं बी टी स्क्वायर निकालना चाहूं तो अपोलोनियस की थ्योरम होती है. अपोलोनियस की थ्योरम क्या कहती है कि नाउ फोकस करना. अपोलोनियस की थ्योरम क्या कहती है कि ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर साइड्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है? टू टाइम्स मीडियन का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, ठीक है ना? अब मैं यहां से ओनली इसमें इंटरेस्टेड हूं, BD स्क्वायर को निकालने में इंटरेस्टेड हूं. तो BD स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? देखिए, ये मेरे पास आएगी AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 2, सही है? माइनस, माइनस कितना आएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आएगा, माइनस AD स्क्वायर आएगा. और इसे मैं कैलकुलेट करूं तो ये अपोलोनियस की थ्योरम होती है जो कि याद होनी चाहिए और इसकी हेल्प से हम आसानी से इसे डील कर सकते हैं. रेशियो निकालेंगे तो तुरंत आ जाएगा. अब अच्छे से फोकस करना कि यहां से अगर मैं BD की लेंथ निकालना चाह रहा हूं, BD की लेंथ निकालना चाह रहा हूं, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? AB को मैंने क्या नाम दिया है? सी स्क्वायर दिया है, AC को बी स्क्वायर दिया है और माइनस टू एल स्क्वायर बाई 2, बाई 2 ये मेरे पास आ रहा है. ओके, ठीक है ना? अब बी डी स्क्वायर ये मेरे पास इतना आ गया, ठीक है ना? नाउ फोकस हियर. अगर मैं बी डी और बी डी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं क्यू आर स्क्वायर निकालूंगा, क्यू आर स्क्वायर निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? क्यू आर स्क्वायर कितना आएगा? क्यू आर स्क्वायर कितना आएगा? देखिए, सी स्क्वायर की जगह क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, माइनस ये कितना आएगा? टू एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आएगा अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना? तो जब इनको आप डिवाइड करेंगे, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो बी डी अपॉन लैम्डा एल लैम्डा एल लैम्डा, ठीक है ना? तो आप जब बी डी अपॉन बी सी निकालेंगे, बी डी अपॉन बी क्यू आर निकालेंगे, तो बी डी अपॉन क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन लैम्डा आएगी. तो बी डी अपॉन क्यू आर का रेशियो है तो वो भी वही आ गया. बी डी अपॉन की और भी तरीके हो सकते हैं. बी डी अपॉन क्यू आर का रेशियो क्या आ गया? बी डी अपॉन क्यू आर का रेशियो 1 अपॉन लैम्डा आ गया, जो कि ए बी अपॉन पी आर का है, पी क्यू का है, या ए सी अपॉन पी आर का है, ठीक है ना? तो नाउ फोकस हियर कि इन तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं. ये कैसे हो गए? सिमिलर हो गए. तो इसे सॉल्व करने के लिए और भी तरीके पॉसिबल हो सकते हैं.
ये एक आसान सा तरीका था, मैंने थर्ड साइड को प्रेडिक्ट कर दिया। लेकिन इसमें क्या है कि अपोलोनियस थ्योरम है वो आपको तैयार करनी है, अगर वो ध्यान रहेगी तो काफी फायदा होगा। मुझे लगता है ये जो अपोलोनियस थ्योरम है ये ध्यान रखनी चाहिए, अगर ये आपको ध्यान रहेगी, आगे वैसे काम की भी है तो ये काफी हेल्पफुल रहा सॉल्विंग में। इसकी हेल्प से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन इस थ्योरम की हेल्प से हम आसानी से इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपली मुझे ये दिया था, इन तीनों का रेशियो सेम है। मैंने अपोलोनियस की हेल्प से साइड और मीडियन मालूम हो तो थर्ड साइड निकालने के लिए ये मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। और बी डी अपॉन क्यू आर, जैसे ये बी डी अपॉन क्यू आर का जो रेशियो है, और वन अपॉन लैम्डा टू बी डी और टू क्यू आर, टू बी डी और टू क्यू आर वही क्या होगा, ए बी सी और पी सी और क्यू आर हो जाएगा, बी डी और क्यू आर। तो बी डी ये क्या था, पी आर था, पी क्यू आर, पी क्या था, पी एम था, पी एम था, ये पी एम सही है, सी अपॉन पी आर। ओके, और यहाँ पे ये क्यू आर नहीं है, क्यू एम है, क्यू एम, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी डी और टू क्यू एम, टू क्यू एम मेरे पास कितना होगा, और क्यू आर होगा, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अगर ये थ्योरम हमें ध्यान है अपोलोनियस की, तो हम इसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं और ये समझ में आ गया। ओके,